हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं अपिट टेक। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में श्रीलंका के इतिहास के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में और एसएससी एग्ज़ाम में भी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आप रेडी हो इस वीडियो के द्वारा। तो इस वीडियो को देखिएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में इस देश की दूरी भारत से लगभग 31 किलोमीटर है और 1962 तक इसका नाम सैलोन था, जिसे 1962 में बदलकर लंका किया गया और फिर 1967 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है, जो कि समुद्री रास्ते के नज़रिए से एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका का राष्ट्रगान श्रीलंका माता है और इसकी राजधानी श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी, और इसकी जो राजभाषा है ज़्यादातर यहाँ पे सिंगला और तमिल बोली जाती है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंगला वंश का शासन रहा है। समय समय पर दक्षिण भारतीय राजवंशों का भी इस पर आक्रमण होता रहा है, लेकिन तीसरी सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट जो अशोका था, उसका पुत्र महेंद्र जो यहाँ पर आया और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब अशोका का पुत्र महेंद्र यहाँ पे क्यों आया? जिस वक्त मौर्य सम्राट जो अशोका था, उसका जो युद्ध था कलिंग का युद्ध, शायद आपने सुना होगा, वो कलिंग के युद्ध में 1,00,000 लोग करीब मारे गए थे। 1,00,000 लोग करीब मारे जाने की वजह से अशोका ने जो सम्राट की उपाधि थी उसे त्याग दिया था और बौद्ध धर्म का मतलब उसमें लीन हो गए थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। उसके तहत जो उनके पुत्र थे महेंद्र, वो श्रीलंका में आए थे, तो उन्होंने श्रीलंका में भेजा था, जिसे उस वक्त सैलोन बोला जाता था, तो सैलोन में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। अब वो श्रीलंका में प्रचार करने ऐसे ही नहीं आ गए थे। उस समय जो अशोका था, अशोका का संबंध उस समय श्रीलंका में एक शासक थे जिनका नाम था देवन मापिया टिस्सा, उनके साथ उसके रिलेशन थे, यानी कि उनके करीबी दोस्त थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म का आगमन और प्रसार हुआ। लेकिन देवन मापिया टिस्सा के मरने के बाद उसका एक बेटा था जिसका नाम था कवड़ टिस्सा, तो उसे एक 214 ईसा पूर्व में चोलों का एक प्रसिद्ध राजा था एलारा, उसने कवड़ टिस्सा को हरा दिया था। और 14 साल संघर्ष करने के बाद, उसे हराने के बाद, जो श्रीलंका पे था उसका अधिकार हो गया था। लेकिन उस समय दक्षिण भारत में पांडवों का उदय हुआ और पांडवों ने श्रीलंका पर हमला बोला, और पांडु जो था, पांडु इस द्वीप का पहला पांड्य शासक बना था, ठीक है। तो पांडवों के आखिरी शासक मनवम्मा को पल्लवों की मदद से हरा दिया और 3 सदियों तक पल्लवों का श्रीलंका पर राज रहा। लेकिन दक्षिण भारत में पांड्यों का फिर से उदय हुआ और अनुराधपुरा पर पांड्यों का आक्रमण हुआ और उसे लूट लिया गया। हालांकि इसी समय सिंगलियों ने पांडवों पर आक्रमण किया और उन्होंने पांड्यों के नगर मदुरई को लूट लिया, और फिर 10वीं सदी में चोलों का उदय हुआ और राजेंद्र चोल प्रथम ने इस द्वीप से सबको खदेड़ दिया। पर 1055 ईस्वी में द्विजयबाहु ने वापस इस द्वीप पर अधिकार कर लिया, जो कि सिंगला वंश के थे। फिर 1466 में एक शासक हुआ जिसका नाम था पराक्रम बाहु षष्ठ, जिसने पूरे श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया, और उसके शासनकाल के दौरान राजधानी कोट्टे कर दी गई, जो पहले अनुराधपुरा थी, जो जयवर्धनापुरा के नाम से जानी जाती है, जिसका पूरा नाम है जयवर्धनापुरा कोट्टे, और श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है ये। ऐसा माना जाता है कि राजकुमार विजय और उसके 700 अनुयायी 543 ईस्वी में श्रीलंका में जहाज से उतरे थे, और ये लोग सिंघल कहलाए थे,
क्योंकि पहले सिंघल की उपाधि धारण करने वाले राजा सिंह बाहु से इनका संबंध था, क्योंकि राजा सिंह बाहु ने सिंह को अपने हाथों से मार गिराया था, इसीलिए ये सिंघल कहलाए थे। विजय ही श्रीलंका का पहला राजा था और उसने जिस राज्य की स्थापना की थी वह करीब 2368 साल कायम रहा और बीच में एक आध बार इस पर चोल और पांडवों के राजाओं ने इस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन देर अबेर सिंगलियों ने इन्हें देश से खदेड़ दिया। 16वीं सदी में यूरोपीय शक्ति ने श्रीलंका में अपना व्यापार स्थापित किया। पहले पुर्तगाल ने कोलंबो के पास अपनी कॉलोनी बनाई और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना अधिकार आसपास के इलाकों में बना लिया और उनसे कर वसूलने लगे और जुर्म करने लगे। तो फिर श्रीलंका के लोगों ने डच के लोगों से मदद की अपील की और 1630 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों पर हमला बोला और उन्हें मार गिराया। अब संपूर्ण श्रीलंका पर पूरा डच का अधिकार था, लेकिन श्रीलंकाई लोगों की परेशानी फिर भी नहीं टली। डच लोगों ने और ज़्यादा कर वसूलना शुरू कर दिया श्रीलंका के लोगों से। अब श्रीलंका के लोग और परेशान, लेकिन इनकी मुश्किलें फिर भी नहीं टली। फिर क्या हुआ कि 1630 ईस्वी में एक अंग्रेज का जहाज गलती से इस द्वीप पर आ गया और उसे कैंडी के राजा ने कैद कर लिया और 19 साल तक उस कारागार में रहने के बाद वह वहां से भाग निकला और उसने अपने अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लिखी, जिसके बाद अंग्रेजों का ध्यान इस पर गया। नीदरलैंड यानी डच पर फ्रांस का अधिकार होने के बाद अंग्रेजों को डर लगने लगा कि श्रीलंका पर डचों का इलाका होने पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि डच पर फ्रांस का अधिकार पहले से ही था। इसीलिए उन्होंने डच इलाकों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और 1700 ईस्वी में आते आते श्रीलंका के जितने भी तटीय इलाके थे उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और 1717 ईस्वी में जो कैंडी का राजा था उसने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने और इस तरह श्रीलंका पर अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार हो गया। और 1930 के दशक में स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 फरवरी 1947 को देश को यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण फ्रीडम मिल गई और इस तरह श्रीलंका पूरी तरीके से स्वतंत्र श्रीलंका बन गया। और यहाँ पर जो आबादी है वो 70% सिंगला वंश की आबादी है और सिंगला वंश की जो भाषा है वो गुजराती और तमिल से थोड़ी मिलती जुलती है, इसीलिए माना जाता है कि श्रीलंका में जो सिंगला वंश की उत्पत्ति हुई है वो गुजरात और तमिल से ही हुई है। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी श्रीलंका में जो घरेलू हिंसा हुई है, जो उनके आंतरिक मामलों में जो हिंसा होती रही है शुरू से, तो वो 1965 से लेकर 2009 तक तकरीबन 80,000 लोग इसी घरेलू हिंसा में मारे गए हैं जो उनके आंतरिक मामलों में हैं। और ये घरेलू हिंसा हुई क्यों? ये धर्म और जाति को लेकर। तो दोस्तों, धर्म और जातियों को लेकर 80,000 लोग अभी तक श्रीलंका में मारे जा चुके हैं। तो 2009 तक ये घरेलू हिंसा आकर विश्राम लग गया है इस पर। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80,000 लोग मारे गए सिर्फ किसके लिए? जाति और धर्म के आधार पर लड़ मर कर। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि नज़रिया सिर्फ इंसान का अपना होना चाहिए। अगर वो इंसान किसी दूसरे के नज़रिए से चलता है तो डेफिनेटली वो इन मामलों में तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, में असल वजह हुई क्या श्रीलंका में ये घरेलू हिंसा और जाति धर्म के आधार पर मारकाट ये क्यों हुई? तो इसके लिए मैं पार्ट टू बनाऊँगा जो 1968 से लेकर 2009 तक की हिस्ट्री है। तो दोस्तों, पार्ट टू अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो यार प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर हमें पार्ट टू चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई हो तो यार लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।